ओवैसी जीत रहा है, ओवैसी जीत रहा है, ओवैसी बिहार में जीता। तो आज आप यूपी में बात कर रहे हैं, अरे हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं। शाहीनबाग का मामला सुना था है, बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला आया था, अखिलेश का ट्वीट देखा था, क्या कहा था अखिलेश ने, हम इस फैसले का समर्थन करते हैं। कभी देखा हुआ सीने? अजीब, आप यहाँ कौम के मुद्दों की बात करो, ये नाली और गली का चुनाव नहीं है। आप पार्लियामेंट को देखिए, सिर्फ ओवैसी और इम्तियाज जलील है, 27 मुस्लिम सांसद है, लेकिन कभी देखा ट्रिपल तलाक पे कोई बोला? कभी देखा बाबरी मस्जिद पे कोई बोला? कभी देखा एनआरसी सीए पे कोई बोला? कभी देखा जब जामी और शाहीनबाग के बच्चों को मारा जा रहा था कोई बोला? आवाज किसकी उठी? ओवैसी की उठी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे हमला होता है, आवाज किसकी उठी? ओवैसी की उठी। तो अब मुसलमानों ने ठान लिया, जो हमारे साथ है हमें वही पसंद है, अब की बार असद की सरकार। अखिलेश जो है जिन्ना के ऊपर कमेंट करते हैं, विकास के मुद्दे तो है नहीं कि मुसलमानों को क्या दिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर समाजवादी के दौर में एक यूनिवर्सिटी हमें मिली, जिसने यूनिवर्सिटी बनाई उसी पे बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी का इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया। आज कोई समाजवादी का नेता आजम खान का नाम लेने तक को तैयार नहीं है। चाचा आप मुझे बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी में आए हैं, क्या भविष्य दिख रहा है आपको? पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे, ओवैसी साहब जीत जाएंगे। अच्छा आपको क्या लग रहा है? अखिलेश यादव अखिलेश ने क्या किया है? अखिलेश ने बहुत विकास करा। क्या किया गिनवा दीजिए ना। जो है उद्घाटन हो रहे हैं, नहीं है जो योगी जी कर रहे हैं, उसने तो विकास कर रखा है, जो सड़क बनी हुई हो। उद्घाटन कर रहे हैं योगी जी, तो एटीएस का उद्घाटन करने आ रहे हैं? नहीं वो भी आ रहे हैं। क्या एटीएस की फुल फॉर्म क्या है? क्या एटीएस की फुल फॉर्म? उसको छोड़ दो, एटीएस की फुल फॉर्म बता दो क्या है? एटीएस का मतलब क्या है? एटीएस का मतलब क्या है? आराम से आराम से, एटीएस का मतलब क्या है? एटीएस का मुझे मालूम नहीं है। आजम खान एंटी टेरर स्क्वाड, एंटी टेरर स्क्वाड। आप मेरी बात सुनिए। अखिलेश क्यों नहीं बोला? देवबंद में एंटी टेरर। हाँ बोलिए, बताइए। ओवैसी जीत रहा है, ओवैसी बिहार में जीता। तो आज आप यूपी में बात कर रहे हैं, अरे हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं हम, हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, अभी पार्षद को चुनाव हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पता ओवैसी कितनी सीटें जीता? नहीं कितनी जीता? एक सेकंड सर सवाल सुन लीजिए। बिहार में तेजस्वी को नुकसान पहुंचाया ना आप मुझे 20 सीटों का डेटा निकाल कर दीजिए। जिन 5 सीटों पर ओवैसी साहब जीते हैं, वहाँ पर ओवैसी साहब की टक्कर बीजेपी थी, तेजस्वी तो धूल भी नहीं चाटता था उन सीटों पर। अच्छा ओवैसी, अच्छा मेरी बात सुनिए, ओवैसी जो है कौन सी सीट पर यूपी में टक्कर देगा अखिलेश यादव को, मुझे बताइए आप। सहारनपुर जिले में? नहीं बिल्कुल गलत, बिल्कुल। हाँ बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, जब जामिया का मामला सुना था, शाहीनबाग का मामला सुना था है, बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला आया था, अखिलेश का ट्वीट देखा था, क्या कहा था अखिलेश ने, हम इस फैसले का समर्थन करते हैं। कभी देखा हुआ सीने? अजीब, आप यहाँ कौम के मुद्दों की बात करो, ये नाली और गली का चुनाव नहीं है। इलेक्शन मुसलमान हिंदू की बात करो आप। सुनिए अच्छा, एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। जवाब लेंगे ना, यहाँ पर किसका विधायक है? यहाँ पर बीजेपी से। क्यों है? बीजेपी का मैं बता रहा हूँ। क्यों है? क्योंकि समाजवादी बीएसपी ने आपस में लड़कर आपको नुकसान पहुंचाया ना, ना माविया जीता ना माजी जीता। वो तो पार्टी से टिकट हुए थे दोनों को, बीएसपी में को भी टिकट हुआ था। मेरी बात तो सुन लो आप, बीएसपी को जब बीएसपी का हत्या का टिकट होया, वो अपने कैंडिडेट लड़ रहा था माजी, तो आजाद लड़ रहा था, वो पार्टी का टिकट लड़ रहा था। जब मावे लड़ रहा था तो उसके टिकट से लड़ रहा था समाजवादी पार्टी का, आम आदमी वैसे ही थोड़ा ही लड़ रहा था वो। मेरी बात सुनो जी, समाजवादी के पास अपना यादव वोट तो है नहीं। क्या? एक सेकंड मेरी बात पूरी सुनो। केवल कौम के हिसाब से नहीं जीत सकते। अरे कौम के हिसाब से नहीं, पिछले 60 सालों में
60,000 दंगे मिले हैं, मारा मुसलमान ही जाता है। आप अगर मुसलमान है तो ये बात मत करो कौम की, आपको किसी ने कोई बल नहीं दिया। एक सेकंड मेरी बात सुनो, खाली अखिलेश की बात है, कौम परस्ती के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेगा। पसंद है यूपी को, अखिलेश पसंद है। देखिए अब यहाँ का मुसलमान जाग चुका है, अखिलेश कौन है? अखिलेश के पास अपना ज्यादा वोट तो है नहीं, 22% मुसलमान अखिलेश को वोट देता है तो अखिलेश नेता बनते हैं, अखिलेश नेता बन जाते हैं तो आजम खान को भूल जाते हैं। अगर अखिलेश आजम खान को भूल गए तो याद रखिए यूपी का 22% मुसलमान भी अखिलेश को भूल गया। अगर यूपी का मुसलमान अखिलेश को भूल गया तो अखिलेश खत्म, ना किसी को पेश पसंद है ना किसी को कुछ पसंद है, अब यूपी को सिर्फ ओवैसी पसंद है। क्या कर लेंगे ओवैसी 100 सीट पर? अरे आप हैदराबाद में जाकर देखिए, ओवैसी की 7 सीटें हैं लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री ओवैसी के इशारों पर नाचता है। आप बिहार के अंदर देखिए, 5 सीटें ओवैसी के पास है, पूरा सदन हिला कर रखता है। आप पार्लियामेंट को देखिए, सिर्फ ओवैसी और इम्तियाज जलील है, 27 मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन कभी देखा ट्रिपल तलाक पे कोई बोला? कभी देखा बाबरी मस्जिद पे कोई बोला? कभी देखा एनआरसी सीए पे कोई बोला? कभी देखा जब जामिया और शाहीनबाग के बच्चों को मारा जा रहा था कोई बोला? आवाज किसकी उठी? ओवैसी की उठी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे हमला होता है, आवाज किसकी उठी? ओवैसी की उठी। तो अब मुसलमानों ने ठान लिया जो हमारे साथ है हमें वही पसंद है, अब की बार असद की सरकार। लोग तो कह रहे हैं हैदराबाद तो संभल नहीं रहे हैं, यूपी जो लोग कह रहे हैं उनसे पहले पूछ लिए हैदराबाद की हिस्ट्री। 1957 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बनी, 1963 में पहली बार विधायक बना, 1983 से आज 2021 हो गया, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि हैदराबाद के अंदर ओवैसी को हरा दे। आप क्या कहेंगे ओवैसी को लेकर? कहा जा रहा है कि वो बाहर से आए हुए हैं, मुसलमानों के लिए क्या कर लेंगे? आपने अभी इनसे एक सवाल किया था कि वो हैदराबाद के हैं और इस तरह से हैं, तो सांसद जो हैं और जगह से भी हैं, यहाँ से भी हैं, सभा से भी हैं, तो किसी पार्टी ने इतनी अथॉरिटी दे रखी है जितनी असद साहब को है कि वो अपने जो कमज़ोर पिछड़े और मुसलमान के लिए बोल सके? इतनी पावर तो किसी की नहीं। हम लोग इन्हें जिता ज़रूर देते हैं लेकिन ये रिमोट की तरह काम करते हैं, तो इसलिए अब हम रिमोट जो है अपना बैरिस्टर साहब को देंगे और उन्हीं के कैंडिडेट को जिताएंगे ताकि वो हमारी आवाज़ सदन में क्या और हर जगह वो हमारी आवाज़ उठा सके। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो प्रचार है कि बीजेपी को हटाना है या बीजेपी को हराना है, कि यही प्रचार आप यादव में जाके कीजिए, आप जाट में जाके कीजिए जिनके साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। मुस्लिम यादव साथ साथ हैं, वो कौन नहीं हम ये जो प्रचार है बीजेपी के हराने का ये सिर्फ मुस्लिम इलाकों में है, किसी यादव की किसी जाट की मुझे आप कोई सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी दिखा दीजिए, आप कोई एक्टिविटी दिखा दीजिए, है ही नहीं। सिर्फ मुसलमानों पे एक हर आदमी ने एक तलवार टंग रखी है कि हमें बीजेपी को हराना है, हमें बीजेपी को हराना है। यूपी के अंदर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोल के गए? मैं कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर हर पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या उनका खुला पैगाम है, खुला मैसेज है, चाहे यादव आए चाहे कोई आए, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, क्या आपने देखा ब्राह्मण सम्मेलन मायावती ने अभी करा, अभी देखा समाजवादी ने कश्यप सम्मेलन करा, क्या आपने ओवैसी को देखा ओवैसी ने मुस्लिम दलित सम्मेलन कराओ? ओवैसी ने क्या करा है? शोषित वंचित समाज सम्मेलन। कोई किसी भी धर्म का हो किसी भी जात का हो अगर परेशान है तो आए MIM में, ओवैसी उसकी आवाज उठाने के लिए तैयार है। यूपी में कौन कह रहा है? यूपी में अखिलेश से कौन कह रहा है? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आओ गठबंधन करो, क्योंकि ओवैसी साहब चाहते हैं कि मैं अगर उत्तर प्रदेश में आया हूं तो तमाम कौमों को साथ लेकर चलूं। कौन भाग रहा है, कौन हिचकिचा रहा है? अखिलेश, जिसको पता है अगर ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया तो बाबा ये 22% वोट जो है अगर खिसक गया तो हम जिन मुसलमानों ने हमें फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया था, अगर ओवैसी के साथ मुसलमान चला गया तो अर्श से उठाकर हम दोबारा फर्श पर आ जाएंगे। 350 पार मुख्यमंत्री बन रहे इस बार हम। अरे भाई मुसलमानों ने ठेका लिया है क्या बीजेपी को हराने का? 60 सालों में कांग्रेस ने 60,000 दंगे दिए, हमने क्यों ललकारा मोदी को? क्योंकि उसने गुजरात का दंगा दिया। अरे भाई मुजफ्फरनगर के अंदर हमारी सैकड़ों जाने गई थी, किसने किसके दौर में गई थी? अखिलेश के दौर में गई थी। जो अखिलेश चिल्लाते हैं कि आजम खान हमारे बड़े नेता हैं, नौ नौ मंत्रालय हमने आजम खान को दिया है,
अरे आज अखिलेश के पास 9 मिनट नहीं है कि आजम खान के लिए आवाज उठा ले। आजम खान की आवाज कौन उठा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी। नसीमुद्दीन की आवाज कौन उठा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी। इमरान मसूद को योगी ये कहता है कि अगर ये अफजल मसूद का भाई है, आवाज कौन उठाता है? असदुद्दीन ओवैसी। अरे भाई असदुद्दीन ओवैसी तो सबको कंधे पे बिठाने के लिए तैयार है, तुम ही गधे की दम पकड़ के पीछे पीछे भाग रहे हो। तो आजम खान को छुड़वाइए ना, क्यों नहीं वकील खड़ा करते हैं ओवैसी साहब? भाई आप ये बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मन से बोलने से नहीं होगा? मन से बोलने के लिए नहीं। जामिया के ऊपर मामला हुआ, अगले दिन पार्लियामेंट में जामिया के लिए आवाज किसने उठाई? किसने कहा जामिया के बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए? दिल्ली के अंदर 53 मुसलमान जाने गई, दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा हुआ, किसने कहा कि मस्जिद मेरी शान है? किसने कहा मस्जिद मेरी पहचान है? बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला आता है, प्रियंका अखिलेश जितने भी नेता थे, बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला आता है तो इन्होंने उस फैसले का समर्थन करा। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी था जिसने कहा था इंशाल्लाह अपने आने वाली नस्लों को बताएंगे कि यह मस्जिद थी और इंशाल्लाह हय्या अलस्सलाह और हय्या अलफलाह की आवाजें दोबारा इस मस्जिद से गूंजेंगी और बाबरी मस्जिद दोबारा बनेगी। अच्छा देवबंद में हम खड़े हैं, विकास तो देवबंद का भाजपा कर रही है ना भाई? कहाँ कर रही है दिखा दो, दिखा दो कहाँ कर रही है? नहीं कहाँ कर रही है दिखाओ, उद्घाटन करने आ रही होगी जी, आ जाए। हाँ मुसलमानों के किस्मत में एटीएस सेंटर है, देवबंद वो कड़े है जहाँ दरवाजे। क्या मुसलमान को, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को एटीएस की जरूरत है? एटीएस यहाँ पर आप अभी आपने देखा है कितनी कोरोना की लहरें आई हैं, कितने लोगों की जान हलाकत हुई है, कितने लोग मरे हैं। क्या योगी जी को यहाँ एटीएस खोलना चाहिए था? हॉस्पिटल खोलना चाहिए था, स्कूल खोलने चाहिए थे। ये विकास है? ये एटीएस सेंटर खोलना कोई विकास नहीं है, ये कतान गलत है। यहाँ है कोई समाजवादी का जो मुस्लिम मुद्दों पे चैलेंज कर सके कि ओवैसी ने क्या करा और अखिलेश ने क्या किया? आइए गिनवाते हैं ओवैसी ने क्या किया और अखिलेश ने क्या किया। ओवैसी ने आपको आजम खान दिया है जो बेचारे 2 साल से जेल के अंदर सड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि ओवैसी को जेल में क्यों नहीं डाला जाता? अरे ओवैसी ने किसी की गुलामी नहीं करी है, ओवैसी अपनी पार्टी का मालिक है जो ताबेदारी की नहीं बल्कि हिस्सेदारी की बात करता है। तो कहते भड़का भाईजान भड़काते हैं मुसलमानों को। अरे आप भड़काओ की बात करते हैं, अभी एक नेता ने कहा कि ओवैसी की गर्दन काटो तो 22 लाख का इनाम। अरे कभी आप ओवैसी का ऐसा बयान दिखा दीजिए कि वो कहे कि मोदी की गर्दन काटो तो 22 लाख का इनाम।